चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की एक केस स्टडी। तो पहली टिप तो ये है कि सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा। जैसे पहले आप पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि उसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर दोबारा केस स्टडी पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। जैसे उसमें वो पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में लाना है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं। जैसे एनसीईआरटी आपकी बुक है, उसके अकॉर्डिंग आपके थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि जिस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो उसे पूरा कर सके, जिसमें बेसिकली आ जाता है टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, और अपने वो स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रख सके। फिर इसमें तीन आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके लिए भी वो कुछ बेनिफिट क्रिएट कर सके, जैसे यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रचेस टू एम्प्लॉयज। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, बैकग्राउंड्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं अपनी डाइवर्स नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ लोगों की फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, जैसे कंपेटिटिव सैलरीज और पर्क्स कि मुझे पैसा कमाना है। कुछ लोगों की सोशल नीड्स हो सकती हैं, जैसे पीयर रिकॉग्निशन कि मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे आसपास के लोगों में मेरी पहचान हो। कुछ लोगों की हायर लेवल नीड्स हो सकती हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि उनका करियर इम्प्रूव हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, यानी कि इसका जो आंसर है वो इन तीन ऑब्जेक्टिव्स में से ही कोई हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो पढ़ रहे हैं, देर आर अबाउट 150 पीपल वर्किंग इन द भार्गव एजेंसीज। All these people belong to different castes, creeds, backgrounds and have different interests. इसी से थोड़ा idea मिल रहा है कि ये personal हो सकता है, but आगे देखते हैं। In this company there is a tradition of organizing competitions in different subjects. One of the subjects of competition was your expectations from the company. The main excerpts of the views expressed by one of the competitors were the following. Firstly, I want that the salary given to me should be at least as much as it is given to other people doing the similar work. Besides, I expect the other perks also. तो ये कुछ financial need जैसा लग रहा है कि उसे अच्छी salary चाहिए और perquisites भी चाहिए. Secondly, I want that the environment prevailing in the company should be such as gives all of us peer recognition. तो ये कुछ आपका social need जैसा लग रहा है. Finally, I want that the company should make the opportunities for personal development available. तो ये higher level needs जैसा लग रहा है. Similarly, the other participants also expressed their personal views on the subject. तो हमें पक्का हो गया कि ये personal objective ही होगा, और इसमें जो हमने तीन needs पढ़ी थी, financial needs, social needs और higher level needs, उन तीनों का जिक्र हो रहा है. तो अब इसका आंसर हमें पता लग गया, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे हम लिखेंगे, हियर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स of management can be divided
into three parts. तो इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल नीड्स. तो हम कोट कर देंगे अपनी केस स्टडी से. पीपल एक्सपेक्ट अ कंपेटिटिव सैलरी एंड अदर पर्क्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. Second, social needs. People expect to get recognition from their peers. Or last, jo ki hai higher level needs. People want to get sufficient opportunities for personal development. So I hope आपको ये case study अच्छे से समझ में आए and ऐसे ही मेहनत करते रहिए. मैं और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए. थैंक यू.